अक्सर बारिश के मौसम में लोगों के घरों में पानी घुस जाने की खबरें सामने आती हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लोगों के घरों में दिखाई दे रहा ये पानी बारिश का नहीं बल्कि गंदे नाले का है। मामला है कोटा के रामपुरा फतेहगढ़ी का, जहाँ पर बारिश के बिना लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं पूरा माजरा आखिर क्या है। दरअसल कोटा में चंबल रिवर फ्रंट को नया रूप दिया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि इस नए रूप के लिए पुराने स्वरूप को यूआईटी के अधिकारियों ने बिगाड़ दिया है। आपको बता दें, रामपुरा फतेहगढ़ी के पीछे चंबल रिवर फ्रंट का एक नया हिस्सा तैयार हो रहा है, जहां का प्रोजेक्ट संभालने वाले अधिकारियों की लापरवाही से स्थानीय लोगों की नींद उड़ गई है। आरोप है कि फतेहगढ़ी के पिछले हिस्से में यूआईटी द्वारा नाले का निर्माण घटिया तरीके से करवाया गया, जिसकी वजह से नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक जा पहुँचा है और कुछ मकान आधे पानी में डूब गए हैं। मेरा घर डूब चुका है श्रीमान, नाले के पानी से, गंदा पानी के नाला पूरा मेरे घर के अंदर भर गया हुकम, और मैं अतिक्रमी नहीं हूँ। इंचान मन नंबर खसर पे है मेरा मकान, जानबूझकर यूआईटी द्वारा इन नालों का निर्माण सही नहीं किया गया, लीपा पोती की गई, भ्रष्टाचार मचा रहे हैं केवल, और कुछ कार्य नहीं कर रहे श्रीमान। ये नाले बिल्कुल छोटे बच्चे भी मिट्टी के अच्छे खिलौने बना देते हैं, जबकि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ऐसे गंदे नाले बना रहे हैं श्रीमान। पीड़ा होती है देश की, समस्या देख, ये मुझे दो दिन से समस्या पैदा हुई श्रीमान। पूरा घर डूब गया, पूरा घर डूब रहा है, पानी भर रहा है, मैं बिजली बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ उसकी। अब ये नालों को वापस जो पुराने थे, जो कलेक्टर साहब ने 82 में आदेश दिया था, जो मैंने बता रहा हूँ मैं आदेश की कॉपी आपको, वैसा वैसा ही नाला बना दो आप अंडरग्राउंड, पीड़ा दूर हो जाए हमारी। यही नहीं, शिकायत के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में स्थानीय लोगों को पानी के बीच में ही पिछले कई दिनों से अपनी रात गुजारनी पड़ रही है, साथ ही साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। परेशानी हमारे लिए, किस तरह की समस्या? मच्छर हो रहे हैं, लेटरिन की बदबू आ रही है सारी, पूरा नाला रोक रखा है, नाला तो बनाया नहीं है और वैसे काम कर रहे हैं, तो पानी तो में डूब गए हैं, तो पानी डूब रहा है, भर रहा है पानी नाले में बस। समस्या ज्यादा आ रही है, समस्या ज्यादा है और क्या। मालूम कह रहे थे अभी करा दे, भले तो और बरसात में परेशानी आ जाएगी, बिना बारिश ही है तो डूब गए मकान तो। अब क्या करें भाई, हमारी तो कोई चलती नहीं है, हम तो खूब कह ही आए हैं। नाले का पानी मेरे घर में भी आ रहा है और ये नाला इधर से बढ़ना चाहिए और बनकर और डोली बाद में मतलब 5 फुट कम से कम छोड़े जगह हमारी, दीवार चुनेंगे, दीवार चुनेंगे, पानी कहाँ चला जाएगा? इस नाले में जाएगा, कहाँ जाएगा? जो अंडरग्राउंड नाला है उसी से टच करो, वापस करो यहाँ बीच में नाला वो। अब मुख्य समस्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या ये गर्म पानी आ रहा है ना, दो दिन से पानी भर रहा है, पानी भरा वाला सर, दो दिन बिना बारिश, बिना बारिश की, बारिश का थोड़ी नाले का पानी है, आप खुद जाके देखो वहाँ पर। अब इस समस्या के पीछे किसकी लापरवाही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन चिंता की बात ये है कि लोग पहले ही परेशान हैं और अगर समय पर इसका हल ना निकाला गया तो बारिश के मौसम में इनकी परेशानी और बढ़ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावत की रिपोर्ट।